सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि ट्रिगर फिंगर, मतलब अगर आपकी उंगली अगर अटकती है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं जो आप खुद ही घर पे करके अपनी ट्रिगर फिंगर से निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको विस्तारित रूप से बताऊंगी मसाज के तरीके, किस तरह से आपको अपनी ट्रिगर फिंगर पे मसाज करनी है एंड किस तरह से आपको एक्सरसाइजेस करनी है एंड दिन में कितनी बार करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज है मसाज ट्रिगर फिंगर में। आपने नोटिस किया होगा कि आपके एक लंप बन जाता है, एक गांठ बन जाती है जो कि बहुत पेनफुल भी होती है एंड उसी लंप के कारण उंगलियों को मोड़ने में, चलाने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो सबसे पहले हमें उस लंप को ठीक करना है। तो उसे हम कैसे करेंगे? तो मसाज एक बहुत ही अच्छा तरीका है लंप को अपने साइज में रिड्यूस करने का या उसे ठीक करने का। तो आपको किस तरह से करना है ये मैं बताती हूँ। तो जैसे कि आपको आपकी अगर रिंग फिंगर में यहाँ पे आपको लंप फील हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इसको अंगूठे से जोर से पकड़ के सर्कुलर मोशन में इस लंप को मूव करना है। आप देखिए, मैं पूरे हाथों को नहीं मूव कर रही, मैंने अंगूठे को एक जगह पे फिक्स किया है एंड मैं तब इसको मूव कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से, तो आपको इस तरह से मसाज करनी है एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने अंगूठे को बस फिक्स करके बस हल्का सा मूव करना है, ठीक है? तो इसको आप कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कीजिएगा। उसके बाद स्ट्रोकिंग करनी है। तो स्ट्रोकिंग हम कैसे करेंगे, लोशन लीजिएगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक्स दीजिएगा थोड़ा सा दबा के। आप अपने सभी फिंगर्स पे भी स्ट्रोकिंग कर सकते हैं, आप अपने इस रीजन पे भी स्ट्रोकिंग कर सकते हैं जहाँ पे आपको लंप है उस पे। सबसे पहले तो आपको नीडिंग जो मैंने बताया वो करनी है, देन फिर उसके बाद हमें स्ट्रोकिंग देना है। थोड़ा सा इससे सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो स्ट्रोकिंग भी आप कम से कम ईच फिंगर को 2-2 स्ट्रोक्स दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नीडिंग एंड सेकंड में मैंने आपको बताया स्ट्रोकिंग। तो ये सबसे पहला स्टेप है ट्रिगर फिंगर की एक्सरसाइजेस को शुरू करने से पहले। अब हमने किया सबसे पहले तो मसाज, सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है हल्की फुल्की फिंगर्स की स्ट्रेचिंग। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपके अगेन रिंग फिंगर में आपको ट्रिगर फिंगर है तो आपको हल्का सा, देखिए हल्का सा फिंगर को एक्सटेंडेड पोजिशन में रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद रिलैक्स। मैं आपको रिंग फिंगर में, इसमें इंडेक्स फिंगर में करके दिखाती हूँ। हल्का से देखिए पीछे बैंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स अगेन। अब स्ट्रेचिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको हल्का फुल्का सबसे पहले तो अपने फिंगर जॉइंट या थंब जिसमें भी आपको ट्रिगर फिंगर है या आप पूरे हैंड्स को मूव कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जनरल, हमारी मतलब वार्म अप एक्सरसाइज फॉर आवर ट्रिगर फिंगर। नाउ आपको क्या करना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। डिपेंड करता है आपके ट्रिगर फिंगर में, अगर आपको ट्रिगर फिंगर थोड़ा सिवियर है तो पूरी बेंडिंग होने के बाद एक्सटेंशन होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप जैसे आपके, आप जब मोड़ रहे हैं अपने हाथों को तो आपके एक फिंगर मानो स्टक हो गई एंड बाकी सब स्ट्रेट हो गई, आप हल्का फुल्का दूसरे हाथ से भी मदद ले सकते हैं लेकिन आपको ये मूवमेंट करना है। तो अगर आपका ट्रिगर फिंगर एडवांस नहीं है तो आपके पूरे फिस्ट बंद होने चाहिए, लेकिन आपका ट्रिगर फिंगर अगर एडवांस है एंड बीच में अटक रहा है तो आप दूसरे हैंड की भी हेल्प, दूसरे फिंगर के हैंड से सीधा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें कि हमने किया पूरे हैंड्स को ओपन एंड क्लोज। सेकेंड है हमारी टिप टू टिप एक्सरसाइज। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड एक्सरसाइज में हमारा प्रिसीजन काम करता है, मतलब थोड़ा प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए इसको टिप टू टिप को मैच करने के लिए। तो ये है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। अब बात करते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, आप ये देखिए हैंड्स को पूरा खोलना है देन ये, पूरा खोलना है देन ये, इस तरह से मूवमेंट करनी है आपको अपनी
फिंगर्स में। नाउ अब बारी आती है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने लिया है कि रबर, तो आपको रबर बैंड अपने हाथों में कुछ इस तरह से लेना है एंड ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। रबर बैंड थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है जो कि हेल्पफुल है आपके फिंगर्स की मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए। डिपेंड कर सकते हैं आपके हाथों में कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी रेजिस्टेंस का आप पे रबर बैंड यूज कर रहे हैं। देखिए इसको भी आपको कम से कम 5 या 10 बार करना है। तो ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। और फिफ्थ एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें अपनी फिंगर्स को मैच करना है। इसको भी आपको कम से कम 5 से 10 बार करना है। तो ये है आपकी 5 super important एक्सरसाइज आपके ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब के लिए। तो अगर आप इन एक्सरसाइजेस को भी रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको आपके ट्रिगर फिंगर से काफी आपको, ये जो मैंने आपको 5 exercises बताई है अलॉन्ग विद मसाजेस एंड अलॉन्ग विद द स्ट्रेचेस, ये आपको कम से कम सुबह शाम करनी है। मतलब एक दिन में आप इसे 2 बार कीजिए एंड आप अपने हर रेपिटेशन को ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू में मैंने अगर आपको बोला 10 बार करना है और आप नहीं कर पा रहे लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती उसको 10 ही बार करने में लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इंक्रीज करना है आपको आपकी अपनी स्ट्रेंथ को देख के और अपने टॉलरेंस को देख के। तो जैसे कि अगर आप शुरू में हर एक्सरसाइज को 5 बार कर पा रहे हैं तो आप 5 बार ही कीजिए। धीरे धीरे आपको लग रहा है कि यस मेरे फिंगर में मोबिलिटी आ रही है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, तो आप उसको 5 से 10 बार कीजिए। उसके बाद 15 तक लेके जाइए, लेकिन आप इसको डेली बेसिस पे जरूर कीजिए। एंड एक बात और, अगर आपके पास कोई स्क्विशी बॉल है तो आप उस स्क्विशी बॉल को भी प्रेस कर सकते हैं। ये भी एक तरह का एक एक्सरसाइज है ट्रिगर फिंगर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। एंड मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।